हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल चारों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर राइट नाउ, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और चार्म्स देखेंगे, आज काफ़ी टाइम से चार्म्स भी नहीं देखे हैं तो जल्दी से, और इनिशियल्स भी चेक करेंगे आज, ठीक है। आज थोड़ा सा इनिशियल तो मैंने बहुत ही टाइम से नहीं चेक किए हैं, तो इनिशियल्स देखेंगे, चार्म्स देखेंगे और करंट फीलिंग्स पता करेंगे आज की रीडिंग में। ओके, स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना देर किए और देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। तो गाइस, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बता दूं मैं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं। वेट अ सेकंड, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब। वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपको अपने पर्सन की बहुत याद आ रही है और उनसे रिलेटेड चीजें आपको दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इस टाइम, क्योंकि वो आपको सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। द वर्ल्ड, यूनिवर्स का कार्ड है। सॉरी गाइस, ये जो बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, रीडिंग को बंद नहीं कर सकती मैं, मुझे करना ही पड़ेगा। वाओ, सन कार्ड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ही इस टाइम ऑप्टिमिस्टिक हैं इस कनेक्शन को लेकर, बिकॉज सन की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपके जो पार्टनर हैं, ओ गॉड, काफ़ी ज़्यादा ही पॉजिटिव सोच रहे हैं गाइस आपको लेकर, ओके, और इस कनेक्शन को भी लेकर। सो डोंट वरी, मुझे तो लग रहा है कि यस, ये पर्सन बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, थैंक गॉड के साउंड तो बंद हुआ। ये कार्ड्स कह रहे हैं, देखिए इनकी जो फीलिंग्स हैं, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा आपके साथ बिताए हुए जितने भी पल हैं इनके आपके साथ, उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको इनकी काफ़ी याद आ रही होगी और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी। ये क्यों याद कर रहे हैं या इतना ज़्यादा, मतलब आपको लेकर इतना कंसर्न क्यों बन रहा है इनके माइंड में? क्योंकि गाइज, आपका ना इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, और ये पर्सन इस टाइम आपको माइंड में रखकर अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको शादी तक का सोच रहे हैं ये आपके साथ, हालांकि इस पर्सन को पता है कि ये कनेक्शन इतना इजी नहीं है, ठीक है, आपको पाना। इवन आप दोनों को एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे को कमिटमेंट देना बहुत आसान नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। आपके पर्सन के पास भी देखो अभी ना ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि एटलीस्ट इनको इतना तो रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं आप, ये आपके ट्रू लव हैं और आप इनके ट्रू लव हैं, ठीक है, इतना तो फील हुआ। अब इतना फील होने के बाद जो आगे के जो स्टेप्स हैं वो है कि मैरिज तक कैसे पहुँचे, ठीक है। तो यही सारी इक्वेशंस बनती हैं, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर कि कैसे मैरिज तक ये बात लेकर जाएं, कैसे ये जो हार्डशिप जो दिख रही है, देखो आप दोनों साथ दिख रहे हो अब, ठीक है, आप दोनों के बीच में हो सकता है अच्छी बातचीत भी शुरू हो गई है, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को अपने दिन की, अपने दिन दिन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी शेयर कर रहे हो, अच्छी बातें भी शेयर कर रहे हो। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि कैसे कमिटमेंट तक पहुंचा जाए, या कैसे मतलब ये जो हार्डशिप्स हैं इस कनेक्शन के आगे जो हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस है।
और ये पर्सन एक एम्परर बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इतने पावरफुल हो, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि ये अपनी बातें सामने वालों के सामने, मतलब लोगों के सामने रख सकें, चाहे फिर इनके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या इनके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले हैं, जो भी हैं उनके सामने ये पर्सन आराम से अपनी बात रख सकें, क्योंकि इस कनेक्शन में इनको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस दिलाना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आ रही है, अभी भी थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन इनको पता है कि यूनिवर्स ने जब ये कनेक्शन बनाया है तो ये पूरा भी होगा, ठीक है, डेस्टिनी तक भी आप लोग पहुंचोगे। और किसी भी तरह का अगर हार्डशिप यहाँ पर है या प्रॉब्लम्स हैं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो इस कनेक्शन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और इस कनेक्शन के लिए कितने भी चेंजेस इनको अपनी लाइफ में लाने पड़े ये लेकर आएंगे, कुछ इस तरह का माइंडसेट बन चुका है, यही करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की अभी आपको लेकर। एनर्जी चेक करते हैं गाइज, यहाँ से क्या एनर्जी आएगी आपके पर्सन की इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। फिलहाल तो मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिल रही है। देखो, अब चाहे कैसे भी तरह के हार्डशिप्स आ जाएं, ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, ये हैंडल करने के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को, क्योंकि माइंड में जो सेट किया है वो मैरिज तक का सेट कर लिया आपको लेकर, तो ये प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हैं। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेयरली बिगनिंग्स, यस। ये इस कनेक्शन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हैं, इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं, जो कि मिलेगा, डोंट वरी। गिल्ट, इसको थोड़ा गिल्ट होता है, जो भी अब तक आपको इग्नोर करते आए या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ठीक है, उस चीज़ को लेकर। और थोड़ी जेलसी भी होती है, क्योंकि अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे होंगे खुलकर, लेकिन दूसरे बात कर रहे हैं या फ्रेंड्स फैमिली, तो थोड़ा सा जेलसी वाली फीलिंग भी आ गई है, अच्छी बात है। बट इस कनेक्शन में तो ये ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इसकी एनर्जी बिल्कुल यही है। और ये देखो फोकस कर रहे हैं इस टाइम बोथ साइड, आपको भी फोकस कर सोच रहे हैं, अपने आप को भी, ठीक है, क्या चेंजेस लाने हैं इस तरीके से। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, एक्सेप्ट कर लिया इसने इस कनेक्शन को, ठीक है, और इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, अब ये वाली एनर्जी है, यही फीलिंग है आपके पार्टनर की इस कनेक्शन में। तो ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत अच्छा एक चेंज है। चलिए गाइज, अब यहाँ से चार्म्स देख लेते हैं, और कुछ मैसेजेस भी हैं यहाँ पर चार्म्स के साथ साथ, फिर इनिशियल चेक करेंगे। तो ये वाला भी आ रहा है, पहले मैसेजेस पढ़ लेते हैं जल्दी से। आई लव यू 3000 टाइम्स, प्यार तो ये करते ही हैं। और देखो लव का भी यहाँ पर है ना इनिशियल, ये चार्म, यू आर माइन एंड एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट, वो तो होना ही है जब आप दोनों एफर्ट्स लगाओगे तो। आई विल चूज यू, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि इस कनेक्शन के लिए अच्छे स्टेप्स ले सकें। सम डे वी विल मीट अगेन, सोलमेट, एंड वी हैव आई नेवर फॉरगेट यू, आई मीन कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन वर्क ही है यहाँ पे। देखो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ओके, बट थोड़ा सा डिसेप्शन अभी भी है, खुलकर एकदम सामने नहीं आ रहे, लेकिन आएंगे, ओके, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और जेलसी इस वजह से भी है थोड़ी, और अपने वर्क में तो बिजी हैं ही ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ें आई हैं यहाँ पर, अब एक बार इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। इनिशियल्स के साथ साथ यहाँ पर कोई मैसेज भी हो सकता है, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज हो सकता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके पर्सन की तरफ से निकाल लिए हैं मैसेजेस। अब थोड़े चांस और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर, ओके, फिर से ये साउंड आ गया। गॉड गाइज, एडजस्ट कीजिए प्लीज़। यस, देखो आपके लिए डिवाइन ने आंसर दिया है, यस, रिमेन पॉजिटिव, डिवाइन कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए इस कनेक्शन को लेकर। अ ईयर फ्रॉम नाउ नो नीड टू वरी, एक साल के अंदर अंदर मैं कह रही हूँ आपको, आपका सब कुछ इस कनेक्शन में ठीक होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, सिचुएशन अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंड नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, बट
चिंता करने वाली बात भी नहीं है, ठीक है, अबंडेंस मिलेगा आप दोनों को। देखो यहाँ पे जेड दो बार आया है, जेड दो बार आया है, आर है यहाँ पर, क्यू है, जी है, एम है, एम जेड तीन बार आ गया है, ठीक है, एम सॉरी ये डब्ल्यू है और ये एम है, यहाँ पर है एस यू आर एंड एन, ओके। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, हो सकता है इनमें से आपका या आपके पर्सन का इनिशियल हो, ओके। दिस इज योर रीडिंग गाइस, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, एंड इस नॉइज के लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।